प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों में संक्रमण के हालात जानेंगे। 31 जुलाई के बाद अनलॉक 3 पर चर्चा की उम्मीद। इंतजार खत्म, फ्रांस के एयरबेस से आज भारत के लिए उड़ेंगे 5 राफेल विमान। सरकार ने फिर से बैन किए 47 चीनी एप्स, क्या पबजी और अलीएक्सप्रेस की बारी। भारत का जासूसी सैटेलाइट तिब्बत के ऊपर से गुजरा, चीन में हड़कंप। भारत में टूटे सारे रिकॉर्ड, एक दिन में सामने आए कोरोना के 49,931 नए केस, 708 मौतें। मुंबई में सुबह से बारिश, जाने यूपी बिहार समेत अन्य राज्यों में मौसम का हाल। स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल दी प्रोफेशनल गाय में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दिन भर की 10 बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा करेंगे। 31 जुलाई को अनलॉक फेज 2 खत्म हो रहा है। आज की बैठक में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अनलॉक 3 पर चर्चा हो सकती है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मौजूद रहने की भी उम्मीद है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग के अलावा मोदी ने 19 जुलाई को 7 राज्यों बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर कोरोना और बाढ़ के हालात पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री की आज मुख्यमंत्रियों के साथ 4 महीने में 8वीं मीटिंग होगी। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल भारत आने वाला है। सूत्र के मुताबिक आज फ्रांस के एयरबेस से राफेल विमान भारत के लिए उड़ेंगे। 7,364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके 5 राफेल विमान बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। और सबसे खास बात यह है कि भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट खुद राफेल उड़ाकर भारत ला रहे हैं। भारत में एक बार फिर से 47 चीनी एप्स बैन करने का फैसला किया है। दरअसल ये एप्स कुछ समय पहले बैन किए गए एप्स के क्लोन के तौर पर काम कर रहे थे। सरकार ने इससे पहले 59 एप्स बैन किए हैं, जिनमें कई पॉपुलर एप्स शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 200 से ज्यादा एप्स की लिस्ट बनाई जा रही है, जिनमें पबजी और अली एक्सप्रेस जैसे पॉपुलर एप्स भी है। भारत में इन एप्स के करोड़ों यूजर्स है। रिपोर्ट के मुताबिक ये एप्स चीन के साथ कथित तौर पर डेटा शेयर कर रहे है और इस वजह से सरकारी एजेंसियां इनका रिव्यू कर रही है। फिलहाल सरकार की तरफ से नए एप्स को बैन को लेकर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। लंबे समय से भारत चीन सीमा पर चीन की ओर से हरकतें चल रही है। अब भारत ने चीन को उसी की चाल से घेरा है तो उसने अपनी सेना जुटानी शुरू कर दी है। दरअसल भारत का एक जासूस सैटेलाइट हाल ही में चीन के कब्जे वाले तिब्बत के ऊपर से गुजरा है। इस सैटेलाइट ने अच्छी खासी जानकारी जुटाई है, इसी के बाद से चीन में हड़कंप मच गया है। भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का यह सैटेलाइट एमिसेट इंटेलिजेंस इनपुट जुटाने में काम करता है। इसमें एक एलियंट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम कोटिलिय लगा हुआ है, जिसकी खूबी है कि वह रक्षा क्षेत्र की अहम जानकारियां जुटा सकता है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। इस जानलेवा महामारी से अभी तक 1.6 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं भारत में संक्रमितों की संख्या 14 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। भारत में कोरोना की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिनों में यहां करीब 1 लाख मरीज की संख्या बढ़े जा रही है। अभी तक इस महामारी से यहाँ 32,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं करीब 9 लाख लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। मुंबई में सोमवार सुबह से बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में 26 से 28 जुलाई तथा पंजाब एवं हरियाणा में 27 से 29 जुलाई के बीच भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश में 26 से 29 जुलाई के बीच भारी बारिश से लेकर मूसलाधार बारिश होने की अनुमान है। पुलिस और माओवादियों की मुठभेड़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वन क्षेत्र में मुठभेड़। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के सीमांत वन क्षेत्र में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 2 माओवादियों की मौत हो गई। यह घटना उस वक्त हुई जब आंध्र प्रदेश के सीमांत जिले मलकानगिरी जिले के गुड्डेजू वन क्षेत्र में पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान माओवादियों ने पुलिस पर गोलीबारी की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 आतंकवादी मारे गए।
शोपिया पुंछ कुपवाड़ा में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़, आईडी ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। सुरक्षा बलों ने रविवार को कश्मीर के कई जिलों में आतंकियों के ठिकाने का भांडाफोड़ किया है और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। सुरक्षा बलों ने इस दौरान नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया। हाल ही में इस इलाके में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम भी किया था और एक आतंकी को मार गिराया था। लॉकडाउन के बाद फिर प्रदूषित हुई यमुना, दिखने लगा जहरीले केमिकल वाला पानी। देश भर में कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन का एक फायदा यह भी हुआ कि दिल्ली में यमुना नदी का प्रदूषण काफी कम हो गया था। साफ चमचमाती यमुना नदी के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी चर्चित भी हुए थे, लेकिन आमतौर पर बरसात के मौसम के दौरान साफ दिखने वाली यमुना नदी में लॉकडाउन खत्म होते ही प्रदूषण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। नदी में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक बढ़ गया है कि कुछ दिन पहले दिल्ली के 3 सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का प्रोडक्शन 75% तक कम हो गया था। कश्मीर में बन रहा देश का पहला केबल रेल ब्रिज, अब और रोमांचक होगा कटरा का सफर। देश के सीमांत प्रदेश जम्मू कश्मीर में रेलवे अपना नेटवर्क तेजी से बढ़ाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। आपको बता दें कि इसी क्रम में इंडियन रेलवे कश्मीर में भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। जानकारी के मुताबिक कटरा और रियासी के बीच भारतीय रेल का पहला केबल रेल पर टिका रेल ब्रिज बनाने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। डेली टॉप 10 न्यूज देखने के लिए देखते रहिए दी प्रोफेशनल गाय। धन्यवाद।